गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वोकैब व फन, मतलब ऐसी वोकैबुलरी जिसे हम मज़े के साथ पढ़ सकेंगे। हाय, मैं हूँ लक्ष्मी रानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो वर्ड मीनिंग आपके सामने में दिख रहा है वो बहुत ही इजी है, जिसे बहुत सारे लोग जानते भी हैं, पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि ब्रेकफास्ट हम सुबह के नाश्ते को बोलते हैं, दोपहर के भोजन को बोलते हैं, शाम के नाश्ते को बोलते हैं या रात के भोजन को बोलते हैं। तो इसे इस कन्फ्यूज़न का दूर करती हूँ। जैसे देखिए, ब्रेकफास्ट, ब्रेक मीन्स क्या होता है? तोड़ना। और फास्ट मीन्स होता है हमारा उपवास। फास्ट मीन्स तेज भी होता है, पर यहाँ पर हम फास्ट का मतलब उपवास टालेंगे। तो ब्रेक मीन्स हुआ तोड़ना और फास्ट मीन्स हुआ उपवास। मतलब हम लोग जब रात को भोजन करते हैं और सुबह में जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इसके बीच लगभग 9 से 10 घंटे या मैक्सिमम 12 घंटे का भी डिफरेंस होता है, बीच में गैप होता है। तो देखिए, हम लोग 12 घंटे का एक तरह का उपवास ही करते हैं, जिसे हम सुबह में तोड़ते हैं, तो उसे ही हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। मतलब 10 घंटे के उपवास को हम सुबह में तोड़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सुबह का नाश्ता। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। लंच बहुत ईजी है, दोपहर का भोजन। थर्ड है हमारा स्नैक्स, ये लाइट रिफ्रेशमेंट या ब्रंच, जिसे हम शाम का नाश्ता बोलते हैं। ठीक है, तो स्नैक्स का मतलब होता है कि हम जो शाम के टाइम में थोड़ा बहुत कभी चाय बिस्किट समोसे ये सब खाते हैं। अभी लॉकडाउन में तो ये नहीं मिल रहा, तो चाय बिस्किट से ही लोग काम चला रहे हैं, मिक्सचर ये सब, तो इसे हम स्नैक्स बोलते हैं। या लाइट रिफ्रेशमेंट मतलब ये कि शाम के वक्त हम लोग हल्का ही कुछ खाते हैं, ताकि रात, क्योंकि रात में भी खाना होता है। एंड ब्रंच, अगर आपको ये दोनों याद नहीं रह रहा तो आप इजीली ब्रंच याद कर सकते हैं। ब्रंच हमें जोड़ कर बना है, बी आर मतलब ब्रेकफास्ट का बी आर यहाँ आ गया, और लंच का अंश मतलब ब्रेकफास्ट का बी और लंच का अंश मिलकर बन गया ब्रंच। तो ब्रंच इजीली याद रहता है, तो ब्रंच का मतलब होता है शाम का नाश्ता। ओके, अब फोर्थ है हमारा डिनर और सपर, जिसका मतलब होता है रात का भोजन। तो सिंपल आप याद रखिए, इस दोनों में भी डिफरेंस है। जैसे डिनर हम तब कहते हैं जब हम अपने पूरे परिवार वालों के साथ एक साथ बैठकर कुछ खाते हैं, मतलब खाना खाते हैं रात को। अगर हम अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे कि डिनर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने रूम में अकेले खाना खा रहे हैं तो वहाँ पर हम सपर का यूज़ करते हैं। ओके, और लास्ट आज का है स्पाउस। ये खाने पीने से तो अलग है, पर स्पाउस का मतलब होता है पति और पत्नी। ये जब आप किसी चीज़ का फॉर्म भर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको लिखा रहता है स्पाउस, तो उसका मतलब पति और पत्नी होता है। आई थिंक आप लोगों को ईजी लगा हो, ईजिली याद भी हो जाएगा। फर्स्ट ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, लंच दोपहर का भोजन, स्नैक्स लाइट रिफ्रेशमेंट और ब्रंच शाम का नाश्ता। इस तीन में से कोई एक का ही यूज़ करना है। और डिनर या सपर मतलब रात का भोजन, और स्पाउस मीन्स पति पत्नी। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।